हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो गाइस, वैसे तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता ही होगा। वोवेल 5 लेटर के होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी के जितने भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट हुआ करते हैं, कुछ सेमी वोवेल हुआ करते हैं। तो गाइस, वोवेल के साथ हमें ए एन का प्रयोग करना है और कॉन्सोनेंट के साथ हमें ए का प्रयोग करना है। ये बात तो हमें बचपन में ही सिखाया जाता है। तो गाइस, ए और एन का प्रयोग करने में हमसे कहीं गलतियां हो जाती है, तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं यह वीडियो में कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसे आप देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ इससे फ़ायदा होगा। तो गाइस, ए एन का प्रयोग में आखिर कहाँ मिस्टेक होता है, जो कि मैं यहाँ कुछ उदाहरण दिया हूँ, जैसे अम्ब्रेला है, यूनिक है, यूरोपियन है, एम ए है, एस डी ओ है, एक्सेप्ट्रा। तो गाइस, इसमें कुछ ट्रिक है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जो भी वर्ड रहेगा उसका हिंदी मीनिंग लिख लेना है। जैसे यूनिक है तो यूनिक लिख देना है, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला लिख देना है, यूरोपियन है तो यूरोपियन। इसी प्रकार जो भी वर्ड रहेगा हमें उस वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख देना है, और हमें स्वर और व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। गाइस, स्वर के साथ में एन का प्रयोग किया जाता है और व्यंजन के साथ में ए का प्रयोग किया जाता है। वैसे गाइस, स्वर होते हैं जो दूसरे की सहायता से नहीं बोला जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे होता है अ आ ई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ए अ ओ अ अन अविसर्ग। गाइस, इसके अलावा जितने भी लेटर होते हैं, क ख ग घ, इस तरह के लेटर जितने भी होते हैं वो व्यंजन हुआ करते हैं और व्यंजन के साथ में ए का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, इससे तो पता लग गया होगा कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो हमें यहाँ यूनिक लिखे हैं, तो यूनिक में पहला लेटर य है, तो य व्यंजन आते हैं, तो इसके साथ हमें ए का प्रयोग करना है। सेकंड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला लेटर अ आता है जो कि स्वर है, स्वर के साथ में हमें ए एन का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार गाइस, यूरोपियन है, यूरोपियन में पहला लेटर य है तो हमें ए का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार एम ए है तो पहला लेटर ए है, तो ए स्वर वर्ण है जिसके साथ हमें ए एन का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार एस डी ओ है, तो एस डी ओ में पहला लेटर ए आता है जो कि स्वर है, इसके साथ हमें ए एन का प्रयोग कर लेना है। तो इससे तो पता लग गया होगा कि हमसे गलती कहाँ हो रही थी, और इन गलती को आप सुधार लें इस वीडियो को देखकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।